हाँ जी, टर्निंग पॉइंट यही था। अभी जैसे हमारे डिफेंस ने खास करके प्रदीप पे कंट्रोल किया है, तो वही मान सकते हैं। और लास्ट तक ये रेडर ऐसा है, प्रदीप जब लास्ट की 10 मिनट भी बची थी तब भी हमें ये डर था कि वो मैच टर्न ना कर दे, तब भी हम इधर से रेडर को लगातार डिसाइड इसीलिए करा रहे थे कि कहीं अगर एक बार थोड़ा पैसिव हो तो मुश्किल कर सकता है। देखिए सुरेंद्र यूपी उधर टीम का प्लेयर है, तो उसको जैसे इंजरी थी, आज वो आया था दोबारा, तो शुरू में स्टार्टिंग में लग रहा था वो मूवमेंट नहीं हो रहे उसके, तो वो सच में ही कई बार ऐसे मैच टर्न कर देता है, तो उसका भी हमें एक ये बेनिफिट मिला है कि वो नहीं था आज। स्टार्टिंग में तो मैडम यही था कि अगर प्रदीप बोनस पे जाता है तो पहले साउल अटैक करेगा, उसके बाद रेजा सपोर्ट देगा, और आगे टच प्रदीप बहुत कम मारता है। तो अंकुश अच्छा खेल रहा है, सारे मैच अच्छे खेल गया, तो अंकुश ने खुद ही बोला था कि मैं आगे कंट्रोल कर लूंगा। अंकुश ने बहुत अच्छा कंट्रोल लिया, यही था मैडम। और सुरेंद्र का भी यही था, बोनस करता आगे टच मारता है, इसी पर कंट्रोल करना था। सुरेंद्र नहीं खेल पाया, उसको ज़्यादा इंजरी ना हो यही कहते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा हुआ कि वो पूरा मैच नहीं खेला। बिल्कुल, जो चारों ही डिफेंडर होते हैं वो कभी हमेशा सभी नहीं चल पाते, तो उससे पहले जिस तरह जब उसकी वो अच्छी फॉर्म में नहीं था, तो उस टाइम सुनील ने, अंकुश ने, वो हमारे पे मतलब खास करके कोचिस पे भी वो प्रेशर नहीं आने दिया, इन्होंने खुद हैंडल किया और उस पर भी नहीं प्रेशर आने दिया, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट हुआ है और बहुत ही अच्छा अभी कंट्रोल भी कर रहा है। अभी इनको उस पर इतना विश्वास हो गया कि वो आराम से वो उसको सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। अभी सभी टीमें इक्वल ही हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है मैडम। तो अभी मैच जीतने बहुत ज़रूरी है, अगले 4-5 मैच अगर हम जीतते हैं तो शायद पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे हम फिनिश करें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैचेस तो अच्छे खेलने पड़ेंगे, सभी मैच जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल, पुणेरी पलटन एक बैलेंस टीम है, डिफेंस ओफेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जिस तरह प्लेयर हमारे आपस में बैठ के जो हम प्लान कर रहे हैं उसको बिल्कुल ग्राउंड पे भी उसको वो पूरा कर रहे हैं, अगर इस तरह ही खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो अच्छा मैच होगा। लेकिन ये नहीं कि मतलब हम उसको हरा नहीं सकते, आराम से हरा भी सकते हैं, जब एक टीम गेम जिस तरह आज खेलें इस तरह करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कोई ये जरूरी नहीं होता टेबल में टॉप कौन है या नीचे कौन है, जिस तरह की मतलब स्टार्ट होता है मैच, फिनिश कैसे होता है और जो सिचुएशन होती है उनको कैसे हैंडल करते हैं उस पर डिपेंड रहेगा। हर एक मैच का अलग प्लान होता है, जिस तरह पिछले मैच में भी आपने क्वेश्चन किया था कि अगली बार क्या रहेगा, तो आज हमें लगा था कि वो शुरू में कि अजीत पॉइंट दे सकता है, तो उसने दिए भी हैं, तो ठीक है उसके बारे में। अगला पुनेरी पलटन के साथ है, अभी सुनील का और रेजा का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो स्टार्टिंग जैसे वो लेट आया था रेजा, थोड़ा टाइम लगा उसमें स्टार्टिंग में उसके साथ एडजस्ट नहीं, अभी अच्छा कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम खेल सकते हैं। पोजीशन भी चेंज करते हैं, आप कभी राइट कॉर्नर पे होते हैं, फिर आप कभी राइट कॉर्नर पे रहने, जब छोटी होती है वो लाइक आप कोई प्लेयर अगर आउट हुआ तो आप राइट कॉर्नर भी आते हैं, तो ये कैसे चलता है वो कि कौन की डिफेंस कैसे खेलेगी, तो आप जो डिफेंस लीड करेगा आप पोजीशन स्विच करते रहते हो उसके बारे में? वो सिचुएशन के आधार पर होता है, अगर साउल आउट हो जाता है तो राइट को, अगर लेफ्ट का रेडर आता तो मेरे को राइट कॉर्नर खेलना ही है, लेफ्ट कवर रेजा है, मैं एक डिफेंसर हूँ, जितना मैं खेल पाऊंगा उतना रेडर अच्छा नहीं खेल सकते। राइट आता तो मैं राइट कवर खेलता ही हूँ, तो वो सिचुएशन के उस पर होता है कि कहाँ पर किसको कब खेलना है। ये सच में स्टार्टिंग मैच की स्टार्टिंग से जब यहाँ क्राउड को देखा कि उसके मतलब इतने फैन है यहाँ पे, वो पहले तेलुगु में भी रहा, तमिल में भी रहा और हमारे साथ है तो भी यहाँ फैन इतने ही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और वो भी काफ़ी मोटिवेट है।
आज उसका ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जहाँ भी जरूरत स्टार्टिंग किया उसने अच्छा किया। उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन थी उसको एम्प्टी रेड करनी थी, वो उसने अच्छा किया भी है, और खास करके अंदर भी सपोर्ट में भी वो अच्छा काम कर रहा है। देखिए मैच बीच में कोई भी मैच, पिछले एक दो मैच में वो भी हुआ है, और वहाँ पे जब थोड़ा पहले दोनों ही टीम बहुत अग्रेसिव खेल रही थी, एक बार जब लीड होने के बाद थोड़ा भी डिफेंस के दिमाग में थोड़ा ये चलता है कि भाई अभी ज़्यादा उसको टैकल नहीं करने, तो थोड़ा वहाँ पे आके कभी कभी एक दो पॉइंट जाने के बाद जब ये सोचते हैं कि भाई अभी टैकल नहीं करना, फिर भी एक दो चले जाते, लेकिन वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, वो लीड इतनी थी हमारे पास कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। डिफेंस तो पूरा ही खराब खेला आज हमारा, और ऑफेंस भी शुरू में जब जरूरत थी उस टाइम ऑफेंस भी नहीं चल पाया गलतियाँ की, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और सुरेंद्र गिल का इंजरी होने से बाहर आने से तो रेडिंग में काफ़ी वीक हो गया। रिकवरी तो था, ठीक था वैसे, उस पर फिर थोड़ा दबाव आया तो उसकी वजह से शायद उसको हुआ। नहीं अर्जेंटली तो पहली बात तो डिफेंस जो अभी तीन चार मैच से अच्छा कर रहा था वो आज फिर वही गलतियाँ की, तो सबसे पहले तो डिफेंस का ही है, उसके बाद रेडर को भी अपना काम करना होगा टाइम पे। टीम के हिसाब से देखेंगे, जो भी जेम्स होगा या नील होगा या महिपाल जो भी है उसके हिसाब से देखेंगे जो जरूर है। भाई मैं वो चेंज करने ही बोल रहा हूँ, सबने बोला था कि चेंज करो, वो उनको रेफरी बोल रहे हैं चेंज करने की, इसलिए वो पीछे जा गए। हाँ जयपुर का डिफेंस भी और ऑफेंस दोनों ही बहुत अच्छा करा उन्होंने, डिफेंस काफ़ी अच्छा खेला, डिफेंस है भी अच्छा, और रेडर भी काफ़ी, अर्जुन भी बढ़िया कर रहा है, तो अर्जुन तो बिल्कुल ऑल आउट खेल रहा है पूरी लीग में आप देख रहे हैं सर, तो उसका ऑफेंस डिफेंस दोनों अच्छा है। नहीं टेबल तो मैं परसों भी आपसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि टेबल तो बिल्कुल टाइट है, ऐसे गलती की तो गुंजाइश है ही नहीं, तो आज बहुत मिस्टेक हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, मैच कम से कम भी क्लोज जाना चाहिए था तो नहीं हो पाया, अगले मैच में उसकी गलती दूर करूँ। मैसेज तो ये होता है कि जो कोच बताता है उसी पे ये काम करते हैं, कोशिश करें कि कोच साहब बता रहे हैं उसी पे काम करें ज़्यादातर। ओके थैंक यू।